सेट डब्ल्यू ए 2020 में से देखते हैं, छह का खा, छह खा में से क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या होता है जब एक एल्डिहाइड। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, यहां पर किसी भी विशेष प्रकार की एल्डिहाइड की कोई बात नहीं है, केवल बस आपसे कह दिया है एक एल्डिहाइड ले लेना है आपको, तो आप एल्डिहाइड में से एसीटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड या कोई अन्य एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड को भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसने केवल एल्डिहाइड का है, एक नॉर्मल एल्डिहाइड के फॉर्मूले को लेने वाले हैं, और उस एल्डिहाइड पर निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया आपको करवानी है। कौन कौन से अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया करवानी है? हम सबसे पहले करवानी है टॉलिन अभिकर्मक के साथ, फिर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, फिर सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, फिर ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ, और लास्ट में आपको अभिक्रिया करवानी है फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ। जिसे मुझे सबसे पहले अभिक्रिया करवानी है टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया, तो हम सबसे पहले देखो रिएक्शन क्या लिखेंगे, टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया। अच्छा, टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया किसकी करवानी है? एल्डिहाइड की। वैसे नॉर्मली अगर ध्यान दिया जाए, एक एल्डिहाइड का फॉर्मूला जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, आर सिंगल बॉन्ड सी एच ओ। कोई व्यक्ति नहीं समझना चाहता तो ऐसे भी समझ सकता है, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, ये भी तो फॉर्मूला होता है एल्डिहाइड का। ये दोनों प्रकार से एल्डिहाइड लिखा जा सकता है, और आपको रिएक्शन करवाना है टॉलिन अभिकर्मक से, तो आपको टॉलिन अभिकर्मक से रिएक्शन करवाने के लिए बिल्कुल आसान है। ये हो गया बेटा एल्डिहाइड, आर सिंगल बॉन्ड सी एच ओ, और टॉलिन अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है Ag2O। और बेटा जैसे ही टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया होती है, आप सबको ये बात पता है, टॉलिन अभिकर्मक एक प्रकार का आक्सीकारक पदार्थ है, आक्सीकारक रिएजेंट है। आक्सीकारक रिएजेंट का वर्क क्या होता है? ये अपना ऑक्सीजन निकाल के इसको दे देगा, जैसे ऑक्सीजन निकाल के इसको देगा, एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में, आर सी डबल ओ के साथ क्या हो जाएगा एच, और बेटा लास्ट में क्या बचेगा? तो लास्ट में बचेगा 2 Ag, जिसको रजत दर्पण भी कहते हैं। तो पूछेगा कि अगर कभी हम लोग किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन टॉलिन अभिकर्मक से करवाते हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। याद रखने वाली बात है, ये एल्डिहाइड है और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इस बात को विशेष ध्यान रखना, आपको वहां लिखना होगा कि ये कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, नाम जहां तक जितने के हो सके अधिकांश से अधिकांश आप उसको वहां करके बताइए, तो समझ लिख लेना है क्या बताना है उसको, कार्बोक्सिलिक एसिड, जस्ट बगल में क्या लिखा हुआ है? रजत दर्पण। सेकेंड नंबर पे इसी में से रिएक्शन कहता है हाइड्रोजन साइनाइड से आपको अभिक्रिया करवानी है, तो फर्स्ट नंबर की ये रिएक्शन थी, सेकेंड नंबर पे आपसे बोल रहा है HCN से क्रिया, मतलब आप इस बार एल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे करवाएंगे? हाइड्रोजन साइनाइड से। और बेटा एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से करवाओगे तो एल्डिहाइड को ऐसे लिखते हैं, आर सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच डबल बॉन्ड ओ, और बेटा हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया होनी है HCN। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, HCN से अभिक्रिया होगी तो बेटा ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ओ को मिलेगा एच और सी को मिलेगा सी एन। अगर अभिक्रिया के ब्रेक होने पर ऐसा बनेगा तो बेटा बनकर तैयार होगा आर सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच, ध्यान सी को क्या मिलने वाला है? सी एन, और बेटा ओ को क्या मिलने वाला है? एच। तो इसको विशेष ध्यान रखना इस बात को कि इस टाइप से कंपाउंड बनने वाला है। अगर कोई पूछेगा इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन कंपाउंड। फिर से ध्यान रखना है, क्या बताना है? साइनोहाइड्रिन कंपाउंड का मतलब यौगिक, क्योंकि सी एन लगा है साइनो और ओ एच लगा है तो हाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन यौगिक है। बेटा थर्ड नंबर पर इसी पर चलेंगे, थर्ड नंबर पर लिखा है सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया, मतलब इस बार आपको एल्डिहाइड की अभिक्रिया करवानी है सोडियम बाई सल्फाइड से क्रिया। बिल्कुल आसान सा है बेटा, सोडियम बाई सल्फाइड से अभिक्रिया करवाओगे तो सेम ऐसी अभिरिएक्शन होनी है, सी सिंगल बॉन्ड एच, बेटा डबल बॉन्ड के साथ कौन लिखा है? ओ। सोडियम बाई सल्फाइड का सूत्र होता है NaHSO3। फिर से अभिक्रिया का तरीका वही है,
बेटा ये ब्रेक होगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसको मिलेगा एच, ओ को मिलेगा एच, बाकी बचता कौन है? एनए भी बचता है, एसओ थ्री बचता है, तो SO3 और एनए मिलने वाला है कार्बन को। अगर बेटा कार्बन को ये वाला पार्ट मिलेगा, मैं क्या सोचता हूँ रिएक्शन का कंपाउंड कैसे बनकर तैयार होगा? आर सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच, बेटा यहां पर लग जाना है SO3 NA और यहां लग जाना है O के साथ किसको? H को। इसका नाम क्या पढ़ोगे? एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। फिर ध्यान रखना एल्डिहाइड पर रिएक्शन है तो एल्डिहाइड तो वो हो गया, और किससे अभिक्रिया हुई है? सोडियम बाइसल्फाइड। तो एल्डिहाइड और सोडियम बाइसल्फाइड के नाम को आपस में क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो ध्यान रखना इसका, इसका कोई नाम भी पूछता है तो इसका नाम है एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे बेटा, नेक्स्ट नंबर पे यहां फोर्थ नंबर रिएक्शन को कंप्लीट करवाएंगे। लिखा है आर एम जी एक्स से होनी है, आर एम जी एक्स से क्रिया। ज्यादातर बच्चे समझ गए होंगे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है ये, और आपको इस बार एल्डिहाइड की रिएक्शन जो है वो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से करवानी है, जो कि हो सकता है थोड़ा सा डबल स्टेप पर जाए। देखो कैसे, नीचे से यहां से लिखते हैं बेटा, एल्डिहाइड का फॉर्मूला है आर सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच डबल बॉन्ड ओ, और अभिक्रिया बेटा किससे होनी है? आर एम जी एक्स विशेष चीज। फिर से अभिक्रिया में कैसे देखो, पॉइंट आउट होगा यहां से बेटा, बॉन्ड ब्रेक होगा, इस वाले पार्ट को क्या मिलेगा? आर, और बाकी बचे हुए भाग को क्या मिलेगा? एम जी एक्स। अगर इस प्रकार से विक्रिया होगी, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बेटा, आर लिखा है सिंगल बॉन्ड के साथ, सी लिखा है, यहां एच दिया गया है, यहां नीचे देखो क्या जुड़ेगा, सी के साथ कौन जुड़ जाएगा? आर, और साथ में ओ एम जी एक्स। लेकिन अभिक्रिया भी कंप्लीट हुआ नहीं, अभी अभिक्रिया में से एक स्टेप और कराना पड़ेगा। क्या स्टेप कराना पड़ेगा? कि इस पदार्थ की अभिक्रिया हमको कैसे करानी होगी? जल से। कहेगा क्या सर जी, जल जबर तो जल से अभिक्रिया क्या कराना बिल्कुल अनिवार्य है, जरूरी। हाँ, इस पे एक स्टेप करवा लेते हैं जल से अभिक्रिया। बेटा जल से अगर अभिक्रिया करवाओगे, ध्यान से थोड़ा सा देखना है बेटा, इसको ओ को थोड़ा सा पहले लिख लें, ताकि क्या है अभिक्रिया बताने में बड़ा आराम रहता है। तो इससे क्या हो जाता है, ओ से अभिक्रिया बताने में आराम रहता क्या है कि देखो, पदार्थ दो भागों में ब्रेक होगा, एम जी एक्स वाले पार्ट को क्या मिल जाएगा? ओ एच, और ओ वाले पार्ट को केवल क्या मिलेगा? एक्स एच। तो ये वाला भाग क्या बनाएगा? एम जी ओ एच एक्स। बेटा जगह नहीं बच रही, नीचे लिख दें इसका नाम, क्योंकि बोर्ड में मैं नहीं चाहता कि आगे वो जगह बर्बाद हो, क्योंकि वो उस भर वाली जगह भी काम में आ जाएगी। तो कैसे लिखेंगे? आर सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड आर सिंगल बॉन्ड आर सिंगल बॉन्ड ओ एच। अच्छा, इसको नाम भी क्या दोगे? ये द्वितीयक एल्कोहल है। तब कभी तुमसे पूछे भी किस प्रकार का एल्कोहल है, तो हम बताएंगे द्वितीयक एल्कोहल है या सेकेंडरी एल्कोहल है। हमसे कोई पूछेगा ये क्या है, हम बताएंगे 2 डिग्री एल्कोहल। इसको विशेष ध्यान रखना कि 2 डिग्री एल्कोहल है। लास्ट में चलेंगे फिफ्थ नंबर पर, तो फिफ्थ नंबर पर लिखते हैं क्या लिखा हुआ है, फेहलिंग विलयन से क्रिया। फेहलिंग विलयन से क्रिया, वैसे ज्यादातर अभिक्रियाओं में ऐसे देखा जाएगा कि जो रिएक्शन करता है टॉलन रिएजेंट, वही अभिक्रियाएं कर सकता है फेलिंग सॉल्यूशन। दोनों के केमिकल फॉर्मूले अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के अभिक्रिया करने का तरीका और अभिक्रिया करने की संभावना दोनों के लिए सही रहती है। सेम संभावना के साथ अभिक्रिया करता है तो बेटा फेलिंग सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया करेगा। सबसे पहले तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला ले लेते हैं, एल्डिहाइड का फॉर्मूला आर सी एच ओ। फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करवानी है, फेलिंग सॉल्यूशन को लिख सकते हैं 2CuO। और बेटा जैसे रिएक्शन करेंगे, ये अपना ऑक्सीजन इसको दे देगा, और आपको याद जब ऑक्सीजन इसको ट्रांसफर करके मिलेगा तो ये बनकर तैयार होगा आर सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच, और लास्ट में बचेगा CU2O।
और कोई पूछेगा ये CuTuO कैसे पहचान होगी, तो बेटा ये रेड प्रेसिपिटेट होता है, लाल कलर का अवक्षेप होता है, रेड PPT मैंने जिसको लिख रखा है, लाल कलर का अवक्षेप होता है, ये पहचान होता है कि आपके फेलिंग विलयन ने कंपाउंड से विक्रिया कर ली है। तो बेटा 6 खा पर इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दिखाना था, 6 खा पे आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, एक ये क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया है, एक क्वेश्चन और दिया है जिसमें से अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व ना करते तो आप अथवा के रूप में इसके बाद वाला क्वेश्चन कर सकते थे। अब क्योंकि क्या है कि हम कोई बोर्ड परीक्षा तो दे नहीं रहे हैं कि हमने ये क्वेश्चन कर लिया तो हम अथवा वाला क्वेश्चन छोड़ देंगे, हमको क्योंकि समझाना है कि अगर आप ऐसा कर सकते थे तो ये बेटर कर सकते थे, अगर आपको लगता है इसके बाद वाला तो आप वो भी कर सकते, तो हम दोनों प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तो भैया ये क्वेश्चन 6 के खा में से हो गया, अब यहाँ पर नीचे लिख देते हैं अथवा, अब अथवा के ही क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब अथवा के क्वेश्चन के लिए हम क्या पढ़ते हैं, इसमें से कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। कहता है क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है, तो इस बार अभिक्रिया किसकी होनी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की। बेटा जैसे एल्डिहाइड की अभिक्रियाओं से पहले हमने उसके फॉर्मूले को पढ़ा था, वैसे मैं क्या सोचता हूँ कार्बोक्सिलिक अम्ल के फॉर्मूले को भी पढ़ लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के फॉर्मूले का जो सामान्य फॉर्म है वो है R(COOH), RCOOH लिखा हो इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भैया हम कार्बोक्सिलिक एसिड पर अभिक्रियाएं लिखेंगे, सबसे पहले कहता है ROH पर कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया करवाइए, तो फर्स्ट पार्ट है ROH से क्रिया, इसका मतलब है कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लाइए और उसकी अभिक्रिया ROH अर्थात एल्कोहल से करवाइए। तो भैया कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं R(COOH), और बेटा इसकी अभिक्रिया होनी है किससे, ROH से। कोई भी एसिड एल्कोहल से रिएक्शन करता है H2SO4 की प्रेजेंस में, ये भी ध्यान देने वाली बात है। और अभिक्रिया कैसे होती है, ये वाला H अगले वाले के काहे से अभिक्रिया कर लेता है, OH से, HOS से अभिक्रिया करेगा तो पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा जल, और मैं क्या सोचता हूँ मेरे पास क्या बचता है RCOO और R, RCOOR। कोई पूछता है ये क्या है, हम बताते हैं इस कंपाउंड का नाम है ईस्टर, एल्किल एसीटेट भी इसको बोल सकते हैं। और कोई व्यक्ति पूछता है इसका नाम क्या है, तो आप इसका नाम दे सकते हो एल्काइल एसीटेट। बेटा सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, फर्स्ट पार्ट पर रिएक्शन हो गई, सेकेंड पार्ट पर रिएक्शन का पूछा है अमोनिया के साथ अभिक्रिया कैसे करेगा, तो हम लोग यहां लिख देंगे NH3 से क्रिया, NH3 से अभिक्रिया होगी RCOOH। बेटा NH3 से रिएक्शन होगी तो रिएक्शन करने का तरीका कैसा है, बहुत अच्छा है बेटा, NH3 को ऐसे लिख सकते हैं H NH2, भाई N के साथ 3H होता है, इसको थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं NH2 लिख दिया। अभिक्रिया कैसे होगी, ये वाला OH अगले वाले के काहे से अभिक्रिया करेगा S से, अगर HOS से अभिक्रिया करेगा तो पहला कंपाउंड क्या बनेगा H2O। मैं क्या सोचता हूँ अब मेरे पास मुख्य उत्पाद क्या बनता है RCONH2, RCO NH2 + H2O। अच्छा कोई पूछेगा इस कंपाउंड को कौन सा कंपाउंड बोलते हैं, एमाइड, याद रखना इस ये कौन सा कंपाउंड है, एमाइड कंपाउंड, या कोई अगर इसको ऐसे ही पढ़ना चाहता है एल्किल एमाइड या एल्केनामाइड तो भी सही है, अगर कोई व्यक्ति इसको पढ़ना चाहता है इसको पढ़ सकता है एल्केनामाइड, ध्यान रखना इसको। बेटा थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, थर्ड पार्ट पे लिखा हुआ है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से आपको रासायनिक अभिक्रिया करवानी है, करवा लेते हैं PCl5 से क्रिया, R(COOH) पर बेटा अभिक्रिया होनी है PCl5। अच्छा यार ये बताएं, ये अभिक्रिया आने वाली अभिक्रियाओं में से बहुत है, मैंने एक देखा है ये PCl5 एक ऐसा रिएजेंट है हर सेट में एक आधी अभिक्रिया इसकी जबरदस्ती घुसी पड़ी रहती है, PCl5 से करवाओ PCl5 से करवाओ, ये मैं मुझे क्या लगता है कि ये काफ़ी चालू कंपाउंड है,
तकरीबन हर एक सेट के कुछ क्वेश्चनों में से तो घुसा पड़ा ही मिलेगा आपको, और जब भी घुसा पड़ा मिले इसके अभिक्रिया करने का तरीका देखो कैसे। देखो ये आप केवल अभी केवल डिजाइन देखो और कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। डिजाइन में से क्या मतलब, कितने सीएल थे, पांच, एक लेफ्ट वाले साइड पर, एक राइट वाले साइड पर, बीच वाले भाग पर पी सी एल थ्री, क्यों, पांच सीएल में से तो एक सीएल लेफ्ट पे लिख दिया, एक राइट पे लिख दिया, तीन ही सीएल तो बचे, वहां पीछे से कंपाउंड लिखते चले आएंगे। बेटा लास्ट वाले एच को क्या मिला, सी एल एच सी एल। अच्छा बीच वाले भाग को क्या मिला, पी सी एल थ्री को ओ मिल गया ना, तो इसको तो ऐसे लिख सकते हो पी ओ सी एल थ्री। लास्ट में देखते हैं हमारे पास क्या बचता, आर सी ओ और ये वाला सी एल, आर सी ओ सी एल। कोई पूछेगा इसका नाम क्या है, एल्केनोइल क्लोराइड। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इसका नाम है एल्केनोइल क्लोराइड। लास्ट में एक अभिक्रिया और बच जाती है इसमें से, कहां लिखा हुआ है, कहता है NaOH से अभिक्रिया। अभी दो अभिक्रियाएं हैं, फोर्थ नंबर NaOH से क्रिया, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच की अभिक्रिया होनी है NaOH। बेटा अभिक्रिया बिल्कुल आसान है, ये वाला एच इसके ओ एच से अभिक्रिया कर लेगा। वैसे भी इस अभिक्रिया को बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो, अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया। तो अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया में दो चीजें बनती थी, जल और लवण। तो एच ओ एच के साथ अभिक्रिया करेगा, पहली चीज बनकर तैयार होगी जल, और इसके बाद हम देखेंगे आर सी डबल ओ अभिक्रिया करेगा एन ए से, तो बनकर तैयार होगा आर सी डबल ओ एन ए सोडियम एल्केनोएट। सोडियम एल्केनोएट नाम है इसका, बेटा इसमें से फिफ्थ पार्ट पर रिएक्शन देखो क्या लिखी है, कहता है लाल फास्फोरस तथा H2O की उपस्थिति में हैलोजन X2 से क्रिया। तो हम यहां तो बेटा ऐसे ही लिखे देते हैं X2 से क्रिया। अब कंपाउंड ले लेना है, कंपाउंड है R सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच, अभिक्रिया होनी है X2 से, किसकी उपस्थिति में, रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में H2O की प्रेजेंस में। और बेटा कुछ भी इसमें से कठिन नहीं है, बस इसमें से कठिन एक चीज जा रही है, क्या चीज जा रही है कि इस बार जो X2 की रिएक्शन होने वाली है वो R वाले पार्ट पर होगी, एल्किल ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ होगी। तो हमें अब एल्किल ग्रुप का फॉर्मूला लिखना ही होगा यहाँ। तो हम एक काम कर लेते हैं, इस R को जगह हटा के हम कहा क्या लिखे लेते हैं, CH3, क्योंकि अब मुझे एल्किल ग्रुप पर अभिक्रिया करानी है। तो भैया हमको R को एक्सपेंड करके दिखाना हो कि R की जगह पर कैसे अभिक्रिया होगी, तरीका बिल्कुल आसान है। 1X एटम जो है वो 1 हाइड्रोजन एटम को लेकर अलग होगा भी। अगर एक एच एक एक्स को लेकर अलग हो जाता है तो बनकर तैयार होता है HX। अब मेरे पास क्या जो चीजें बची मैं उसको लिखूंगा, मेरे पास बचा है CH2 सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच। ध्यान दीजिए एक एच चला गया है ना, उस खाली जगह पर दूसरे वाले एक्स को रख दिया जाए, दो एक्स थे, एक तो एक्स निकल गया तो दूसरा वाला एक्स बचा, बस हो गया रिएक्शन। साथ में का नंबर पे लिखा है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को बनाने की वर्णन कीजिए, इसकी एसीटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया को का रासायनिक समीकरण लिखिए, इसका एसीटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, तो ये लिखा हुआ है। और बेटा वैसे बताएं ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है PCL5 के निर्माण, ये 30% कोर्स के अकॉर्डिंग हटा दिया गया अपने कोर्स से। अगला नंबर पे चलते हैं, कहता है फेरस सल्फेट और तारपीन के तेल के साथ क्लोरीन की होने वाली अभिक्रियाएं। आपको फेरस सल्फेट की क्लोरीन से अभिक्रिया करवानी है और तारपीन के तेल की भी अभिक्रिया जो है वो क्लोरीन गैस के साथ करवा के आपको दिखानी है और उसका समीकरण लिखना है। तो भैया समीकरण लिखने लिए स्टार्ट करते हैं 7 का सेकेंड नंबर का सेकेंड नंबर। तो भैया क्वेश्चन नंबर 7 का, और उसका भी कौन सा पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, सेकेंड पार्ट।
और सेकंड पार्ट पे सॉल्व करने की कोशिश रहेगी, देखो कैसे रहेगा, फेरस सल्फेट और तारपीन के तेल के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया। तो बेटा एक बार फेरस सल्फेट के साथ, फेरस सल्फेट के साथ किसके अभिक्रिया करवानी है, क्लोरीन की। और बेटा क्लोरीन की अभिक्रिया बिल्कुल भी कठिन नहीं, देखो फेरस सल्फेट अगर क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, और अभिक्रिया कैसे होती है, 2Fe, 2Fe और 2SO4 तो यहाँ है ही, 1SO4 यहाँ लेगा तो क्या बना लेगा, Fe2, SO4 का होल थ्राइस। अच्छा ध्यान दो, Fe2 पूरे बिजी हो गए, SO4 तीन बिजी हो गए, बचता क्या है, H2 और Cl2। तो बेटा बनकर तैयार होगा 2HCl और ये रिएक्शन कंप्लीट। इसके बाद ऑक्टेन किसका कह रहा था, अच्छा तारपीन के तेल के साथ क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कह रहा है, ये कह रहा था बेटा तारपीन के तेल का फॉर्मूला होता है C10H16। तारपीन के तेल का फॉर्मूला C10H16 और इस पे रिएक्शन होनी है बेटा क्लोरीन से। देखो क्लोरीन से अभिक्रिया करने का तरीका आसान है, कितने हाइड्रोजन है, 16, तो हमें करना क्या है, सारे हाइड्रोजन को कार्बन से हटा करके अलग कर देना है, 8Cl2 बेटा, 8Cl2 हाइड्रोजन से होगी तो ये पार्ट इससे अभिक्रिया कर लेगा तो बनकर तैयार करेगा 16HCl। और मैं क्या सोचता हूँ, मेरे पास क्या बचेगा, 10 मोल कार्बन एटम, हाँ 10C उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे लिखा है इसी के अथवा पर, अगर आप ये क्वेश्चन ना करना चाहते तो आप इसमें से अथवा में कर सकते थे, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण का सिद्धांत लिखिए, नामांकित चित्र बनाकर H2SO4 की अभिक्रिया सुक्रोस और कॉपर धातु के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। तो तुमको बता दें, ये बात जान के तुम लोगों को थोड़ा सा प्रसन्नता होगी कि संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की जो विधि है 30% कोर्स के अकॉर्डिंग हटा दी गई। हाँ लेकिन इसमें दो अभिक्रियाएं अभी भी सम्मिलित हैं, कौन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल की कॉपर के साथ अभिक्रिया का रासायनिक और सुक्रोज के साथ अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रिया अभी भी आती हैं। तो क्यों एक काम कर लेते हैं, यहां अथवा लिख लेते हैं, अथवा में से वो दोनों अभिक्रिया लिख लेते हैं जो अभी कोर्स में है। पहली अभिक्रिया क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किसकी अभिक्रिया, सुक्रोज, सुक्रोज जानते हो ना, सुक्रोज से सुक्रोज की क्रिया, अच्छा सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11 किससे अभिक्रिया होनी है, सल्फ्यूरिक अम्ल से। और आप सभी बेटा ये जानते हो सल्फ्यूरिक अम्ल का एक प्रकार का निर्जली कारक है, जल को अलग करता है, अगर बेटा जल को अलग करेगा तो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, क्या अलग हो जाएगा, 11H2O। मैं क्या सोचता हूँ, मेरे पास केवल क्या बचेगा, कार्बन, या तो ये कार्बन ब्राउन कलर का होगा या बेटा ये अब प्रेसिपिटेट किस कलर का होगा, ब्लैक, ब्राउन या ब्लैक कलर का कार्बन पाया जाता है। तो इस प्रकार की विशेष ध्यान रखोगे इसको, कार्बन में या सॉरी सुक्रोश में सल्फ्यूरिक अम्ल को डालने पर सुक्रोश अपने अंदर से जल के अणुओं को क्या कर देता है, अलग कर देता है, जिससे केवल कार्बन और कार्बन बचता है, और केवल कार्बन बचने के कारण इसका कलर या तो ब्राउन कलर का हो जाता है या ब्लैक कलर का। अभी नेक्स्ट नंबर एक और रिएक्शन लिखने कहते हैं, कॉपर धातु से होने वाली अभिक्रिया लिखो। तो भैया नेक्स्ट अभिक्रिया Cu की H2SO4 से क्रिया, अच्छा Cu की अभिक्रिया होनी है किससे होनी है, H2SO4 से। वैसे अगर आपको याद हो तो मैंने एक अभिक्रिया पढ़ाई थी कि H2SO4 से अभिक्रिया है, आधी चीजें तो लिख लो पहले से, जैसे लेफ्ट पे H2SO4 लिखा राइट पे क्या क्या लिखना स्टार्ट करो, H2O+SO2, ये बात तो लिख ही डालो, इधर H2SO4 लिखा है उधर H2SO2 लिख लिया। अब कॉपर धातु है ना, तो नियम था कॉपर अगर कोई धातु मिल जाए तो धातु का सल्फेट बनाते हैं, तो क्योंकि कॉपर मिला है तो कॉपर का क्या बना देंगे, सल्फेट, रिएक्शन कंप्लीट है। बहुत ज्यादा अगर आपको करना है तो बस इसको बैलेंस कर लेना है, 2H2O कर लेना है उसको। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे, लिखा है कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए,
सबसे पहले तो ये बताना है आपको कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, और फिर इसके बाद आपको बताना है कि ग्लूकोज में पांच अल्कोहलिक समूहों, एक एल्डिहाइड समूह और एक कार्बोनिल समूह होने की पुष्टि करते हुए एक एक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। आपको तीन ऐसी अभिक्रियाएं लिखनी हैं जिनमें से एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा यह स्पष्ट हो सके कि ग्लूकोज में पांच अल्कोहलिक समूह हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है जिससे यह सिद्ध हो सके कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह है, और एक रासायनिक अभिक्रिया ऐसी लिखनी है जिससे ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की पुष्टि की जा सके। एक काम करेंगे, कहता है कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित करिए, तो हम यहां पर कार्बोहाइड्रेट के विषय में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, रिएक्शन लिखते हैं कुछ देर बाद। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का ख, देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट, देखो कार्बोहाइड्रेट क्या लिखते हैं, लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट वे पॉलीहाइड्रोक्सी 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 कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें या तो एल्डिहाइड समूह जिनमें या तो एल्डिहाइड समूह या कीटोनिक समूह पाया जाता है, समूह पाया जाता है। बेटा अगर एग्जाम्पल की बात कोई करेगा कि कोई हमको कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल मिल जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल बताए जा सकते हैं। देखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सारे के सारे, स्टार्च, ग्लाइकोजन, जिलेटिन, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं ये सब किसके हैं, कार्बोहाइड्रेट के ही हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल बता सकते थे हम क्या, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, इनुलिन आदि। तो एक काम करते हैं, इनको नोट करते हैं, फिर इसके बाद वो जो रिएक्शंस बचती हैं ग्लूकोज पर, फ्रक्टोज पर, उनको सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन प्रोटीन वाला भी हल करते हैं, जल्दी से इसको नोट करो। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा तो हम लोगों ने लिख ली, इसके बाद ग्लूकोज पर आपको ऐसी अभिक्रिया लिखनी थी ताकि ये सिद्ध हो सके कि ग्लूकोज में पांच अल्कोहलिक समूह पाए जाते हैं। तो देखो अभिक्रिया लिखते हैं बेटा, सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले नंबर पर सिद्ध कर देना है। ग्लूकोज में पांच अल्कोहलिक समूह की उपस्थिति को दर्ज कराने वाला रासायनिक गुण, एक ऐसा रासायनिक गुण जो ग्लूकोज में पांच अल्कोहलिक समूहों की पुष्टि कर देता है। देखो बेटा ध्यान से, CHO CHOH का होल फोर, और बेटा लास्ट में लिखा है CH2OH। अब मैं देख के बता सकता हूं कि चार अल्कोहलिक ग्रुप यहां है, एक अल्कोहलिक ग्रुप यहां है, ऊपर वाला ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन बेटा पांच अल्कोहलिक ग्रुप केवल कह देने से काम नहीं चलेगा, रिएक्शन कोई लिख के दिखानी पड़ेगी। रिएक्शन कैसे लिखते हैं,
इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। देखो लिखने का तरीका कैसा है, CH3COCl, और कितनी बार लेना है ये, पांच बार। अब पांच बार लेना है, हाँ अभिक्रिया PCl5 से भी हो सकती थी, एथिल एसीटेट सॉरी एसीटिक एनहाइड्राइड से भी हो सकती थी। तीन अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो पांच अल्कोहलिक ग्रुप की पुष्टि करती हैं, लेकिन मुझे एक लिखनी है, इससे करवा देते हैं। बेटा ये चार एच और ये पांचवा एच अभिक्रिया करेंगे इस पांच सीएल से, अगर पांच एच पांच सीएल से अभिक्रिया करेंगे तो बन जाएगा 5HCl। मैं क्या देखता हूं, मेरे पास तो ऊपर बचता है CHO, फिर CH जो है वो O, वो कितनी बार बचता है, चार बार, और लास्ट में बचता है CH2O। अच्छा ये H निकल गया था ना, अब ध्यान रख CH3CO भी तो पांच बार है, चार बार यहां जुड़ जाएगा CH3CO, और एक बार नीचे जुड़ जाएगा CH3CO। अब इसका नाम कोई पूछेगा क्या बता दो, ग्लूकोज में पांच बार CH3CW ग्रुप लगा है ना, तो इसको नाम देते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अभी नेक्स्ट नंबर पे एक तो ये ग्रुप हो गया, एल्कोहलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला रासायनिक गुण लिखना था, दूसरा रासायनिक गुण लिखना था जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट किया गया हो, तो हम भैया नेक्स्ट नंबर पे लिखेंगे एल्डिहाइड ग्रुप की उपस्थिति। अब हम एल्डिहाइड ग्रुप की उपस्थिति को दर्ज करने वाला रासायनिक गुण लिखेंगे, तो बेटा एल्डिहाइड ग्रुप की उपस्थिति को दर्ज कैसे कराया जाएगा, पहले इस ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लेते हैं, बेटा आपने अभी कुछ देर पहले जब हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी आज के दिन की, आपने एक रिएक्शन करवाई थी टॉलिन अभिकर्मक से अभिक्रिया, और आपको याद था एल्डिहाइड एसिड में चेंज हो जाता था, हम भी बेटा इसमें टॉलिन अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाएंगे, और टॉलिन अभिकर्मक से अभिक्रिया कैसे होती है, ये ओ इसको ट्रांसफर कर देगा तो बन जाएगा COOH, फिर किसी भी ग्रुप में कोई चेंज नहीं आएगा, लास्ट में CH2OH, और बेटा आखिरी में आपको यह भी याद था रजत दर्पण बना था, तो इसका नाम क्या होगा, ग्लूकोनिक एसिड, याद रखना इसको क्या नाम है, ग्लूकोनिक एसिड। अभी लास्ट में बेटा एक और रासायनिक गुण आपका रहा जाता है जिसमें कहता है कार्बोनिक ग्रुप की विप्रेजेंस को बता दीजिए, देखो लिखते हैं कार्बोनिल ग्रुप, या इसको हिंदी में लिखना चाहे समूह की उपस्थिति को दर्ज कराने वाली अभिक्रिया, इसकी उपस्थिति को दर्ज कराने की अभिक्रिया लिखना है तो बिल्कुल आसान, देखो ग्लूकोज को लिख ले, कैसे ग्लूकोज को लिखे, देखो यही तरीका रहेगा CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल फोर एंड लास्ट टाइम CH2OH। अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहते हो देखो कैसे लिख सकते हो, देखो इस एच को पीछे कर लिया जाए, इस एच ओ को लगाया जाए डबल बॉन्ड के साथ, और अभिक्रिया करवाई जाए हाइड्रोजन साइनाइड से, और HCN से अभिक्रिया होगी, तरीका क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड जब टूटता था आपको याद होगा ओ को क्या मिलता था एच, और सी को क्या मिलता था सी एन, इस प्रकार से ओ एच सी एन जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेता था। अब जब ओ एच सी एन एच रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता था देखो तो ओ के साथ जुड़ जाएगा एच और सी के साथ जुड़ जाएगा सी एन, तो अभिक्रिया कैसे होगा, देखो सी पीछे की ओर एच, O के साथ H और C के साथ लगा है CN, और लास्ट में बेटा इन ग्रुप्स पर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब ये अभिक्रिया हुई, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज पर CN और OH ग्रुप की उपस्थिति के कारण बना हुआ कंपाउंड ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन कहलाता है। बेटा आप ये क्वेश्चन कर सकते थे सात के खा पर, आप ये क्वेश्चन ना कर सकते तो एक अथवा पर क्वेश्चन दिया था मैंने, यहां लिख रखा है क्वेश्चन क्या है, एमिनो अम्ल की परिभाषा दीजिए, एमिनो अम्ल होता क्या, मैंने देखो क्या लिख रखा है,
एमिनो अम्ल की परिभाषा स्वयं लिखें। आपको पता है एक ऐसा केमिकल कंपाउंड या एक ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसके एक सिरे पर तो एमिनो समूह होता है जबकि दूसरे सिरे पर कार्बोक्सिलिक समूह होता है, ऐसे केमिकल को हम कहते हैं एमिनो अम्ल। बाद में आते हैं कि एमिनो अम्ल की परिभाषा दे चुके आप, इसके बाद कहता है प्रोटीन की परिभाषा लिखिए, तो आप क्या बताते हो? एमिनो अम्ल की इकाइयां आपस में जुड़ते हुए, फिर मैं दोबारा रिपीट करते हैं, जब बहुत सारी एमिनो अम्ल की इकाइयां या अल्फा एमिनो एसिड की बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ना प्रारंभ करती हैं तो जुड़ने के पश्चात जो बहुलक बनकर तैयार होता है उस बहुलक को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन। आप प्रोटीन को भी डिफाइन कर चुके, तो प्रोटीन और एमिनो एसिड का परिभाषा आप खुद लिखोगे। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है प्रोटीन के प्रमुख स्रोत लिखो। सभी को पता है प्रोटीन के स्रोत क्या होते हैं, दूध, अंडा, मांस, हरी सब्जियां, दालें, अनाज आदि। अभी लास्ट में एक और उसी में से क्वेश्चन बढ़ा रहा है, क्या शरीर में इसके क्या कार्य हैं, किसके क्या कार्य हैं? प्रोटीन के। तो प्रोटीन के कार्य शरीर में अगर पढ़ने हैं तो देखो मैंने लिख रखा है कार्य क्या है, कोशिकाओं के निर्माण में सेल्स को बनाता है, डैमेज टिश्यू जो होते हैं ऊतक होते हैं इनको सुरक्षित करता है, मैंने लिखाया नहीं क्योंकि बहुत सारे उपयोग हो रहे थे, एंटीबॉडीज के निर्माण में और इसको क्या बोलते हैं एंजाइम हार्मोन्स के निर्माण में, पंखे सींग खुर नाखून बाल आदि सबके बनाने में। कौन से पंखे की बात हो रही है? ये हाँ ये पक्षियों के पास होते हैं पंखे, उसकी बात हो रही है। अभी लास्ट में कहता है प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन के विकृतीकरण को पढ़ेंगे तो लिखा है कहता है जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है, प्रोटीन का मतलब है जिस भी कंपाउंड पर, जिस भी वस्तु पर, जिस भी चीज पर अगर प्रोटीन पाया जाता है, अगर आप उसको गर्म करते हो, मैं ये नहीं कहता कि प्रोटीन का विकृतीकरण केवल गर्म करने पर ही होता है, लेकिन नॉर्मली अगर आपको जल्दी से करवाना आप यही काम करते हो कि जब भी प्रोटीन को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड, किसमें उपस्थित? प्रोटीन श्रृंखलाओं में उपस्थित जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो क्या होने लगते हैं? टूटने लगते हैं, और टूटने से जो प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिक्स संरचना होती है, वो क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है। भाई बॉन्ड टूटने का मतलब पुराना बॉन्ड टूटा नया बॉन्ड बना, तो जो स्ट्रक्चर का टाइप है वो भी क्या हो जाता है? चेंज होने लगता है, बदलने लगता है स्ट्रक्चर, और जब स्ट्रक्चर बदलता है तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बिगड़ने लगता है। स्ट्रक्चर में आए इस परिवर्तन को, इस बिगड़ाव को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन का विकृतीकरण। अब प्रोटीन का विकृतीकरण का कभी कभी पूछ लेता है, इसमें पूछा भी है, कहता है प्रोटीन का विकृतीकरण को स्पष्ट कीजिए, तो मैंने स्पष्ट कर दिया प्रोटीन का विकृतीकरण कैसे होता है। हाँ चाहे तो आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अंडे को उबालने पर अंडे के अंदर जो लिक्विड होता है वो काहे में चेंज होता है सॉलिड में, ये है प्रोटीन का क्या? विकृतीकरण। एक और है दूध का दही के रूप में जम जाना, भी प्रोटीन के विकृतीकरण का ही एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से बेटा आपका 2020 का WA जो सेट था वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद सेकेंड सेट है WB, तो बेटा इसको फिर पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास पे।